हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़े दिनों के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए और बहुत सारी चीज़ें मैंने कमेंट्स में पढ़ी जो कि वाजिब थी, और ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन तब भी थोड़ा बिजी था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें मैंने फिर से आपके लिए कुछ सोची है जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप उसे देखिए, समझिए कि मैं वो चीज़ क्या बता रहा हूँ, उसको समझिए किस तरह से उसकी निकास विधि है, आप उसमें ध्यान दीजिए और तैयारी कीजिए, रियाज कीजिए। जैसा मैं बताऊंगा एज इट इज आप वैसे ही तैयार कीजिए। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। देखिए, मैं दादरा की कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, है ना, दादरा की चीज़ें, और सीधे हम द्रुत लय में चलेंगे। दादरा सीधे हम जो दादरा जो भजन वगैरह में बजता है हम उसमें चलेंगे और बड़ा ही खूबसूरत है ना, तो उसको ध्यान से देखिए। दो चीजें बड़ी सरल है, आसपास ही है, लेकिन आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं शुरू करूंगा। ठीक है, ये चीज थी। वहीं अगर हमको इसमें लग्गी लगाना है, तो ये था। मैंने इसमें बहुत सारे प्रकार यूज किया, जो मैंने सिंपल जो दादरा था, और ये सब संगत की चीजें, संगत का ही ये दादरा है। तो देखिए, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। क्या किया मैंने, धा तीन बजा और फिर से देखिए, ठीक है, धा धातिन नग धाती, है ना, धा धातिन नग धाती, धा धातिन नग धाती, आप बजाइए, धा धातिन नग धाती। और ये संगत का दादरा है, संगत का, है ना, वरना हम ऐसा भी बजाए, धाती ना धाती ना, ये शुद्ध है, लेकिन हम संगत में जब बजाएंगे तो धा धातिन नग धाती, धा धातिन नग धाती, है ना। फिर से देखिए, धा धातिन, आपको समझ में आ गया, धा धातिन पीछे खींचते हुए, धा धातिन, तीन में दोनों आएगा, है ना। अब आगे का धा धातिन ये हो गया, अभी नग धाती, नग धाती, नग चौथी मात्रा, धाती दोनों मात्रा है, पांचवी और छठवी। अब धा धातिन नग, हल्का सा ग पड़ेगा, नग धाती, एकदम क्विक, धा धातिन नग धाती, नग धाती, ठीक है, ये संगत का दादरा है ना। अब इसके बाद अगला जो मैंने और वेरिएशन किया, धा धातिन सेम बजेगा, धा धातिन नग धा तक, धा धातिन नग धा, नग धा तक भी सेम, और फिर ती जहां मैंने लगाया था इससे पहले वहां तिरकिट लग जाएगा, धा धातिन नग धा तक धा। अब एक और, धा धातिन नग धा, चपकी वाला ध्यान रखना, लास्ट लास्ट का ही मैं बता रहा हूं, सेम पांचवी मात्रा तक सेम बजेगा और छठवीं मात्रा में पर आपको चेंज करना है। कैसे, पांचवी मात्रा कहां तक, धा धातिन नग धा,
नग धा तक पांच मात्रा हो गई, धा धा तिन नग धा। अब छठवीं मात्रा में आपको बदलना है, धा धा तिन नग धा, प्रकार से बताया। फिर से देखिए, धा धा तिन नग धा ती, ठीक है। अब फिर धा धा तिन नग धा तरी। अब तीसरा धा धा तिन नग धा ती, है ना। अब इसको मैं कंटिन्यू बजाता, धा धा तिन नग धा, यही ऐसी लागी लगन। यही है ऐसी लागी लगन। और भी बहुत सारे भजन है, आप उसमें ये बजा सकते हैं। एक बार फिर से बहुत ही स्लो में मैं आपको बता देता, तिन न ग धाती। ये धाधा तिन नग धाती जो है वो मैक्सिमम टाइम बजेगा, क्योंकि ये इसका मूल संगत का है ना। और तिरकिट और तिप, तिरकिट ये सब बीच बीच में आप भरते जाइए, है ना। तो बस इतना ही था, इसको देखिए समझिए ध्यान से। नहीं समझ में आएगा तो मैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ में इसको बताऊंगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसके बोल भी दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।